खुद से खरबूजों के रेट बढ़ाते हैं रमजानों में, ऐसा है नहीं है, ज़रा नहीं हो रहे, मगर अल्लाह ही चला रहे बस। क्या रेट चल रहा है अभी खरबूजे के? लोग एडवांस हो रहे हैं और हमारे लोग उतने ही नीचे जाते जा रहे हैं। पहला बंदा कोई ऐसा मिला है जो कह रहा है कि क्या नाम है, कम खाएंगे लेकिन हलाल का खाएंगे, लेकिन रमजानों में अपने रेट नहीं बढ़ाएंगे। पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए आप अर्तुगरुल गाजी वाले घोड़े में सफर करना पड़ा, स्पाइड लग रहा है अर्तुगरुल गाजी। हाँ पेट्रोल महंगा है, 270 रुपये 72 रुपये लीटर हो गया, सच्चा घोड़ा चला लिया बंदा। लोग एडवांस हो रहे हैं और हमारे लोग उतने ही नीचे जाते जा रहे हैं। बताएं अपने मुल्क पे जो महंगाई बढ़ गई है, इस बारे में आप कुछ बताएं, आपका गुजारा हो रहा है? अगर हो रहा है तो कैसे गुजारा हो रहा है? शुक्र है कमा के खा रहे हैं। कितना आप कितना रोज का कितना कमा लेते हैं यहाँ से? जाए तो कमा लेते हैं, नहीं बिके तो ऐसे, ये बात है। मतलब हवाई रोजी है ये, हवाई रोजी है। मतलब जिस दिन आपके अगर समझ लें कोई भी नहीं बिका, उस दिन कैसे गुजारा होता है? बस अल्लाह पाक पूरी करता है ये बात, और बाकी है ना हालात सही नहीं है। कब से चला रहे हैं? तकरीबन 4-5 साल से चला रहा हूँ। 4-5 साल से चला रहे हैं, और आपका ये बताएंगे गुजारा कैसा हो रहा है इतनी महंगाई? गुजारा तो अल्लाह के हाथ में है, मगर मसला ये है कि महंगाई इतने बढ़ा दी इन लोगों ने। इतने कमा लेते होंगे? नहीं कमा लेता हूँ कि भाई 15-16 घंटे रक्षा चलाऊंगा तो कमाऊंगा, बच्चों को खर्चा दूंगा और किराए भी निकालूंगा घर का, किस्त भी निकालूंगा। आप किराए के मकान में रह रहे हैं? अभी किराए के मकान में रह रहे। बचत वचत नहीं होता, रक्षे में काम निकल जाता है तो उसके पैसे नहीं होते, वो कर्ज कर लेता हूँ, और जब जेब में होते हैं तो उसको जो है जेब में रखता हूँ तो कोरंगी सवारी लेके जाता हूँ या कहीं और, वहाँ डकैत मिल जाता है, चोरी कर। आपके साथ मतलब डकैती भी हुई है? कोरंगी में हुई है। कोरंगी में कैसे हुई, क्या हुआ था? पैसे वैसे सारे ले गए थे। किराए का घर है, किराए का मकान है। किराया कितना है आपके घर का? 14,000 रुपये किराया है। और यहाँ से आप रोजाना कितने कमा लेते हैं अंदाजन? बस ये हवाई रोजी है, इसमें बिक जाए तो मिल जाता है 1,000-1,500 रुपये घर का खर्चा है, बस ज्यादा नहीं। 1,500 रुपये आपका घर का खर्चा है, तो किराया कैसे दे रहे हैं आप? बस ऐसे बिक जाता है तो रमजान में पता चलता है, ऐसे तो गुजर सफर। मतलब सिर्फ आप रमजानों में आपका बिकता है, बाकी और कुछ कम बिकता है? कम बिकता है। क्या रेट चल रहा है अभी खरबूजे के? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो चला रहे रमजान में, अल्लाह पाक करे और कम हो जाए, और कम हो जाए। लेकिन तो मैं ये देखता हूँ कि आप पहले बंदे मेरे को मिले हैं जो बोल रहे हैं कि रमजानों में खरबूजे के रेट और कम हो जाए, मतलब तो लोग तो खुद से बढ़ा देते हैं। सही बात, भाई सही बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा मैं, लोग खुद से खरबूजों के रेट बढ़ाते हैं रमजानों में, ऐसा है नहीं है? अपनी तरफ से बढ़ाते हैं वैसे, फ्रूटों के रेट बढ़ाते हैं। आप पहले बंदे मिले जो बोल रहे हैं कम हो जाए, ये बात है मेरी, कम हो जाए ना, रोजेदार है कोई, महंगाई है कोई, है ना जवान है, रोजेदार है, मतलब उनके लिए आप सहूलत पेश करना चाह रहे हैं। कम खाएंगे लेकिन हलाल खाएंगे, हलाल खाएंगे, हलाल खाएंगे, हाँ हलाल का कमा के खाएंगे। यही बात है, मेरे को देखे पहला बंदा कोई ऐसा मिला है जो कह रहा है कि क्या नाम है, कम खाएंगे लेकिन हलाल का खाएंगे, लेकिन रमजानों में अपने रेट नहीं बढ़ाएंगे। अगर इसी की तरह तमाम फ्रूट वाले हो जाए तो हमारा मुल्क पाकिस्तान कितना सुधर जाएगा। अभी मकान मालिक ने जवाब भी दिए हुए, और मैंने कहा इतना सब्र करो कि भाई रमजान गुजर जाए तो हम देख लेंगे, बाहर जो ना एडवांस बहुत है, तो 16 घंटे रक्षा चलाता हूँ तो 1,500 रुपये कमा लेता हूँ, खाने पीने में चले जाते हैं, और डीजल पेट्रोल वगैरह में, पेट्रोल में चले जाते हैं। मतलब बहुत मुश्किल हो रही है इस महंगाई में, बहुत मुश्किल हो रही है, पता नहीं हमारा मुल्क का बनेगा क्या, ये समझ में नहीं आ रहा, मगर ये अल्लाह ही निज़ाम चलाने वाले और अल्लाह से ही मांग रहे हैं, हमारे हुक्मरान है, अल्लाह उनको हिदायत दे दे कि गरीब के लिए सोचे, ये चाहते हैं कि मुल्क में वो हुक्मरान आ जाए जो मुल्क के लिए अच्छा हो और आवाम गरीब के लिए अच्छा हो। हमारा गुजारा नहीं हो रहा, मगर अल्लाह ही चला रहे, बस 16 घंटे हम जो ना अपना नींद खराब कर देते, नींद खराब नहीं करेंगे तो कर्जदार बनेंगे, अगर कर्ज लेंगे तो दरवाजे पे जो ना इस कटकटाने से जो ना डर रहे, तो इस वजह से 16 घंटे रश्के में हमारे मर्जी के सवारी पैसे देती, आप अपनी मर्जी थी सवारी, आपको मुँह मांगी कीमत नहीं देती, मुँह मांगी नहीं देती, आपने मर्जी से नहीं उठाएंगे तो रोड पे खड़े रहेंगे, वो अपने मर्जी से देंगे तो लॉस हो रहा है, ऊपर से लॉस हो रहा है। यार मेरी आवाम से छोटी सी गुजारिश है कि रक्षे वालों का ख्याल रखा करें, रक्षे वालों का, आप लोग अपने जिस भेजी करते हैं उनसे 50-100 रुपए के लिए लड़ रहे होते हैं, ऐसा ना करें बिल्कुल भी, महंगाई की वजह से गरीब तबाह हो रहा है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है इस पर काम किया जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।